नमस्कार दोस्तों, मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं, सर अगर रोबोटिक सर्जरी रोबोट करता है तो आप क्या करते हो? देखिए, रोबोट एक मशीन है जिसको हम लोग सर्जन्स कंट्रोल करते हैं, रोबोट अपने आप कुछ काम नहीं करता। मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट, प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट, रोबोटिक सर्जन न्यू दिल्ली इंडिया से आज आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में फुल डिटेल्स दूंगा कि रोबोटिक सर्जरी होती क्या है। रोबोटिक सर्जरी एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है। कहने का मतलब है कि पहले प्रोस्टेट कैंसर के लिए ओपन सर्जरी होती जिसमें पूरा पेट काट के चीर फाड़ करके और सर्जरी करते थे और प्रोस्टेट को बाहर निकालते थे। उसके अंदर बहुत ब्लीडिंग होती थी और पेशेंट्स को बहुत दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता था, बहुत पेन होती थी, इन्फेक्शन का डर होता था। उसके बाद फिर इसको कम ट्रॉमेटिक करने के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट हुई प्रोस्टेट कैंसर के लिए। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या था कि दूरबीन से करते हैं सर्जरी, लेकिन उसमें भी जब टाँके लगाते हैं सर्जरी के अंदर तो टाँके लगाना मुश्किल था, तो इसलिए वो इतनी प्रिसाइज सर्जरी नहीं थी। फाइनली रोबोटिक सर्जरी आई। रोबोटिक सर्जरी में एक तो छोटे छोटे होल से पूरी सर्जरी हो जाती है और अंदर 3D विजन, HD विजन होती है जिससे कि बहुत अच्छा क्लियर विजन आती है, हम लोग प्रिसाइज सर्जरी कर सकते हैं। और सूचरिंग के लिए, टाँके लगाने के लिए रोबोटिक आर्म 360 डिग्रीज मूव करते हैं जिसकी वजह से सूचरिंग अच्छी होती है और यूरिन लीकेज के चांसेस कम होते हैं। आइए रोबोटिक सर्जरी की OT में एक लाइव देखते हैं कैसे रोबोट काम करता है, कैसे रोबोट अलग होता है और डॉक्टर अलग बैठा होता है। तो ये हमारा रोबोटिक OT है। यहाँ ये रोबोट है, यहाँ सर्जन कंसोल है जिधर सर्जन बैठ के सर्जरी करता है। रोबोट पेशेंट के बेड साइड पे होता है, इसके आर्म जो होते हैं वो पेशेंट के अंदर होते हैं। रोबोट अपने आप कुछ नहीं करता, ये सारी मूवमेंट जो रोबोट कर रहा है पेशेंट के अंदर सर्जरी के टाइम पे, वो सर्जन जो होता है वो कंसोल पे बैठा हुआ सर्जरी करता है। और जब सर्जन कंसोल पे बैठा होता है उसको जो अंदर वो देखता है वो 3D HD विजन होती है, ब्लड लॉस कम होता है। जो रोबोटिक आर्म है उसकी मूवमेंट 360 डिग्रीज होती है, मतलब कि जब प्रोस्टेट निकाल दिया जाता है तो यूरिथ्रा और ब्लैडर को ज्वाइन करने के लिए जो एनास्टेमोसिस होता है वो बिल्कुल प्रिसाइज होता है, अच्छी तरह नीडल को घुमा के एनास्टेमोसिस कर सकते हैं और यूरिथ्रा और ब्लैडर को ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्पिटल स्टे 3 से 4 दिन होती है, इसके बाद पेशेंट चल फिर सकता है और सारे नॉर्मल काम कर सकता है। मैंने रोबोटिक सर्जरी की फेलोशिप यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी USA से 2008 से 2011 तक करी थी। अभी 2024 है, इतने सालों में मैं 2000 से भी ज़्यादा रोबोटिक सर्जरीज कर चुका हूँ प्रोस्टेट कैंसर की, और इसमें से 90% से भी ज़्यादा पेशेंट्स सर्जरी के बाद पूरे कैंसर फ्री हो जाते हैं, इनको और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा उनका यूरिन कंट्रोल भी अच्छा है और पेशेंट्स का सेक्सुअल फंक्शन भी अच्छा होता है। तो अगर आपको भी प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ है और आप उसके लिए मेरे को कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।